Assalamualaikum everyone, welcome to my channel SIP Bangalore Kitchen. आज हम बनाएंगे मज़ेदार रसमलाई. बहुत ही ईजी स्टेप्स है, वक्त तो ज़रूर लगेगा, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, फिर आपको बहुत ही ईजी लगेगी ये रेसिपी. ले रही हूँ 2 लीटर दूध. आप फुल फैट मिल्क लीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी रसमलाई. तो मेरे स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा, मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी. परफेक्ट तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी. अब हम गैस को ऑन कर लेंगे. हम दूध को बॉईल आने तक वेट करेंगे, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी. देखिए दूध में बॉईल आ रहा है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर ऐड करेंगे. देखिए मैं अब 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड करूँगी, फिर दूसरा टेबलस्पून ऐड करके अब मैं इसे धीरे धीरे हलाऊँगी. दूध को बहुत, हमें गैस को ऑफ नहीं करना है, गैस को ऑन रख के ही विनेगर ऐड करना है. अब इसे धीरे धीरे आप हलाइएगा. देखिए हमारा दूध अभी क्लीन से नहीं फटा है, तो फिर हम 1 और टेबलस्पून विनेगर, तो टोटल हमारे अब 3 टेबलस्पून हो गए हैं. फिर हम 1 और ऐड करेंगे, तो टोटल 4 टेबलस्पून विनेगर हमने ऐड किया है. अब इसे आराम से हलाइएगा. देखिए मैंने टोटल 6 टेबलस्पून विनेगर मैंने डाला है. देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा दूध फट गया है. देखिए ये हरा सा पानी सेपरेट हो गया है. अब इस स्टेप पे हम हमारा गैस ऑफ कर देंगे. जब तक हमें गैस नहीं ऑफ करना है. देखिए अब हम ये सारा पानी कॉटन के कपड़े में छान लेंगे. नीचे मैंने एक बाउल रखा है. देखिए मैंने वो सारा छन्नी जो भी निकाला है इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है. अब हम इसे ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे विनेगर का एसेंस निकालने के लिए. देखिए हम ठंडा पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे, यानी सारा जो विनेगर का एसेंस है वो अच्छे से निकलेगा. हम इसे और ठंडा कर लेंगे और इसे वॉश भी कर लेंगे. देखिए अब हम इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके सारा पानी अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे. देखिए एक और ट्रिक इसका है, ये पानी देखिए अब ड्रॉप्स पड़ रहे हैं. जब तक हम इसे टाइट अच्छे से बांध लेंगे, फिर इसे एक ऊंची जगह पे लटका देंगे, इसका सारा पानी देखिए निकल जाएगा. देखिए हम इसे ऐसे हाइट पे लटका देंगे इसका सारा पानी निकलने तक. हमारा जो भी रसमलाई का मिक्सचर है वो हमने रेडी कर लिया है. अब हम उसकी रबड़ी यानी कि रसमलाई का दूध बनाएंगे. उसके लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध. ये भी हम फुल फैट मिल्क ही लेंगे. फुल फैट मिल्क लेने से आपकी रबड़ी या रसमलाई का दूध बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसका. तो चलिए इसका प्रोसीजर हम देखेंगे. 1.5 लीटर दूध मैंने डाल लिया है. अब हम गैस को ऑन कर लेंगे. इसे भी हमें 1 उबाल आने तक वेट करना है. देखिए हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो गया है. इस स्टेप पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे. ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस है, मैं बादाम और काजू डाल रही हूँ. आप जो भी
चाहे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब हम मेजरिंग कप से 2 कप शक्कर डाल लेंगे। अब हम इसमें इलायची तोड़ के डाल लेंगे। आप चाहे तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से आप पकाइएगा। देखिए हमारी रबड़ी बन रही है, इसे हम अच्छे से पकने देंगे। बहुत ही थिक नहीं करेंगे, इसे सेमी लिक्विड रखेंगे हम। तो साइड बाय साइड अब हम हमारा जो भी हम छन्ना तैयार किए थे वो हम देख लेंगे। देखिए इसका पानी अच्छे से निकल चुका है। देखिए अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए सारा पानी, देखिए इतना ही ड्राई हमें चाहिए। ज़्यादा भी ड्राई करने से क्रैक्स आ जाएंगे। देखिए देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है। अब हम हमारे ये हाथ के हिस्से से इसे अच्छे से ऐसे लगड़ेंगे। देखिए हमें ये प्रोसेस लगभग 10 मिनट हमें कंटिन्यूस हमें करना है। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाना है। 5 मिनट इसे अच्छे से रगड़ने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। देखिए हम 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से ये सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा। जब हम इसे पकाएंगे तो ये फटेगा नहीं। हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा येलो कलर। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हैं। देखिए हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। देखिए ये कितना सॉफ्ट बन गया है। हमें लगभग 20 मिनट लगे ये बनाने के लिए। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। देखिए हम इतना सा बॉल लेके हमें अच्छे से अपने दोनों हाथ रब करके इसे ऐसे गोल बना लेना है। अगर आपके पास क्रैक आ रहे हैं तो आप अपना हाथ थोड़ा सा वेट करके फिर आप इसे ऐसे फ्लैट कर सकते हैं। देखिए साइज आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जितना चाहे आप बना सकते हैं। देखिए देखिए अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा पानी आप लगा के इसे फ्लैट कर सकते हैं। ऐसे ही हमें सारे बॉल्स बनाना है। देखिए मेरे सारे टिक्कीज बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम एक बड़ा सा पतीला या पैन ले लेंगे। इसमें हम मेजरिंग कप से 10 कप पानी डाल लेंगे। हमें मेजरिंग कप से मेजर करके 10 कप पानी डाल लेना है। फिर हम शक्कर लेंगे 1.5 कप। हमें इसकी चाशनी नहीं बनाना है, हम सिर्फ शक्कर घुल जाने तक पानी को पकाएंगे। उसके बाद हम हमारे सारे टिक्कीज इसमें डाल लेंगे। देखिए हमारा पानी बॉयल हो चुका है। इसे हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सिर्फ बॉयल आने के बाद हम सारे टिक्कीज इसमें धीरे धीरे करके डाल लेंगे। आप बड़ा सा बर्तन लीजिए क्योंकि इसे पकने के लिए स्पेस चाहिए। देखिए सारे टिक्कीज को मैंने डाल लिया है। अब हम इसका टेम्परेचर हाई रखेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसका टेम्परेचर मीडियम कर लेंगे। आप इसे ढक के भी पका सकते हैं या ओपन भी आप पका सकते हैं। इसे आप छूएगा नहीं क्योंकि अगर आप इसे डिस्टर्ब करेंगे ये फट जाएंगे। इसे अपने आप पकने दीजिए, फिर आप इसे टर्न करिए। मैं आपको बताऊंगी कब इसे टर्न करना है। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छी तरह से ये फूल गए हैं, यानी डबल साइज हो गए हैं। आप चाहे तो इसे लिड मूच के पकाइए। अब हम गैस को मीडियम हाई पे कर देंगे।
देखिए और थोड़ी देर यानी और 15 मिनट पकाने से और कितने बड़े हो गए हैं। अब हम हमारे सारे टिक्कीज इस बाउल में काट लेंगे। देखिए हमने सारे टिक्कीज को इसमें निकाल लिया है। अब हम हमारी रबड़ी भी इसमें डाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे सारे टिप्स और ट्रिक फॉलो कीजिएगा। मैंने ये 2 लीटर दूध में बनाया है, आप कम और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो, और मेरे टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए हैं या नहीं। देखिए हमें सारा रबड़ी इसमें डाल के 4 से 5 घंटे हमें बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना है। फिर 5 घंटों के बाद हमें इसे फ्रिज में रखना है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। देखिए हमारी रसमली तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आ रहे हों तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।